Hello students, today in this video I am going to teach you how to write cursive A to Z in a notebook. Okay, तो आज हम A to Z notebook में किस तरह से लिखते हैं cursive writing में, वो मैं आपको यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ. Okay, सबसे पहले मैं ये एक स्केल है, इसे मैं 3 lines draw करूंगी जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो. इस तरह से आपको भी नोटबुक में लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, और यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे डेट डालना है. आप जब भी स्कूल जाते तो हर बार आप डेट डालते हैं ना, उसी तरह से अब मैं यहां पे इस तरह से डेट डाल रही हूं. फॉर एग्जाम्पल 16/6. ओके, और ये रेड लाइन दी है, इसके ऊपर हमें कर्सिव राइटिंग में हमें किस तरह से लिखना है, ए टू जेड. ओके, इतना लिखने के बाद हमें स्टार्ट करना है एबीसीडी लिखना. यहां पे मैं लिख रही हूं ए फॉर एप्पल, B for ball, capital और ये small cursive alphabet. Okay, B for ball, then C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hut, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for pen, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for train, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. ओके बच्चों, आपने देखा मैंने किस तरह से A to Z लिखा है. इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपको 3 लाइन पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ए फॉर एप्पल के नीचे आपको ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हट, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन,
एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पेन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर सन, टी फॉर ट्रेन, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर याच एंड जेड फॉर जेब्रा। ओके बच्चों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।